हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एक स्ट्रक्चरल रिविट स्ट्रक्चर में एक स्टील का कॉलम कैसे प्लेस करते हैं, बाद में फुटिंग्स कैसे प्लेस करते हैं वो मैं दिखा चुका हूँ, और आज मैं कंप्लीट बीम का प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड सपोर्ट कर दो। ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो लेवल टू, कभी भी आप बीम ड्रॉ करते हो लेवल टू में आके ड्रॉ करना पड़ेगा। लेवल टू बीम्स सेलेक्ट बीम, आप लोग देख सकते थे ISMB 300 का बीम सेलेक्टेड है। मैं इसको फिलहाल ISMB 225 कर लेता हूँ। ISMB 225 करने के बाद सिंपल फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ बीम को। एंड ओके, ड्रॉ हो चुके। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ लाइन दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसको ऑन करना पड़ेगा एक एक बार, और आप लोगों को इसमें जाने का फाइंड करना पड़ेगा। ऑन कर रहा, आप लोग देख सकते हैं अभी एक स्टील बीम दिखाई दे रहा है 3D 3D में आप लोग देख सकते हो। लेकिन मुझे ये इंक्लाइंट चाहिए, राइट, इस टाइप का। ओके, तो इसके लिए कैसे करना पड़ेगा आप लोग देख सकते थे। लेवल टू, लेवल टू जाने के बाद फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बीम्स ISMB फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर, 3D में आप लोग देख सकते हो इधर ये अलग अलग हो चुका है। आप लोग देख सकते हो इधर, अभी आप लोगों को एंड ऑफसेट चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको 1.2 मीटर कर देता हूँ, देखते हैं कितना हाइट होता है बोल के। आप लोग देख सकते हो इधर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो चुका है। इसको भी ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा एंड 1.2 मीटर। देन आपको ओके अप्लाई क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते थे ये मैच नहीं हो रहा है, इसको कैसे मैच करते हैं, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। इसको कैसे मैच करेंगे, इसको कैसे मैच करेंगे, सब लोग बोलते हो इसको मैच करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इंक्लाइंड ड्रॉ कर चुका हूँ लेकिन ये मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है, तो कैसे मैच करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इन दोनों को डिलीट करो। लेवल टू, लेवल टू में जाने के बाद बीम्स, बीम्स में कंप्लीट इधर से इधर तक ड्रॉ कर दो। बीम ड्रॉ करने के बाद इधर मिडल में कट कर दो। मॉडिफाई, मॉडिफाई पैनल एंड ये हमारा स्पिल्ट एलिमेंट करो एंड 5 मीटर को स्पिल्ट कर दो। ओके, आप लोग देख सकते हो 3D में हमारा 5 मीटर को स्पिल्ट हो चुका है ना। 5 मीटर को स्पिल्ट हो चुका है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों को सेलेक्ट करो। पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, अब ये रेड लाइन इंडिकेट करता है ये हमारा एंड पॉइंट है, ये ग्रीन लाइन इंडिकेट करता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद फ्लिप सेलेक्ट, फ्लिप स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग फिल देख सकते हो, ये हमारा एंड पॉइंट हो चुका है। इन दोनों को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद एंड पॉइंट 1.2 मीटर अप्लाई 3D। आप लोग देख सकते हो ये हमारा इंक्लाइंड बीम्स आ चुका है। Is it comfortable or is it okay? अभी आप लोगों को कनेक्शंस लोड करना पड़ेगा। कनेक्शन लोड करने के लिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में जाने के बाद कनेक्शंस, या स्टील में भी जा सकते हो, स्टील्स कनेक्शंस। कनेक्शन में जाने के बाद आप लोगों को इधर एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो इधर कनेक्शंस लोड हो रहा है। कनेक्शन को कैसे अप्लाई करता है ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। I hope you enjoyed the video, guys. Please do subscribe, share, and support. Thank you very much.